ओ भाई, काबर मशरूम आइलैंड भाई, ये तो भाई काफी लकी सीड निकला यहाँ पर भाई। वो भी दो दो सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक होगा सभी लोग का हमारे चैनल कौशिक गेमर पर। तो दोस्तों, आप सभी ने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि किस तरह हमारे यूट्यूबर्स फ्रेंड ही हमारे बीट करने में मदद करते हैं, पर भाई कोई विलेजर हमारी मदद नहीं करता। अबे साले, पर आवाज बाबा ने कहा कि भाई तू खुद के विलेजर्स क्यों नहीं बनाता कि भाई वो तुझे मदद करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो आज के एपिसोड में हम खुद के विलेजर्स बनाएंगे जो कि हमें ओपीस क्या ओपी कहेंगे सर, ओपीएस ट्रेब्यू ऊपर के भाई आर्मर देंगे। तो आज हम चलते हैं और माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट करते हैं और बीट करते हैं माइनक्राफ्ट को। बेसिकली आज ओक का ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि हमारे जितने भी विलेजर्स होंगे ना, वो ओक के साथ ही आएंगे। जितने भी ओक वगैरह के साथ हमें क्राफ्टिंग टेबल पर ओक के बनाना है। सबसे पहले अपने बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। ये हमारी क्राफ्टिंग टेबल आ चुकी है, रख लेते हैं इसको और स्टिक वगैरह बना लेते हैं। नहीं, पहले स्टिक वगैरह ही बना लेते हैं भाई। बन जाए यार, क्या बना रहा था मैं। ठीक है भाई, वो बन गए। अब ऐसा करते हैं भाई, अपने टूल्स बना लेते हैं फटाफट, ताकि मैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकूँ। मैं हमारी पिकैक्स आ चुकी है और ये हमारी एक्स आ चुकी है। अब ऐसा करते हैं फटाफट काट लेते हैं जितने हो सके उतने ट्री, उसके बाद अपने चालू करते हैं काम। ऐसा करते हैं, अब वहां पर चलते हैं उस आइलैंड पे, ताकि भाई हम अपने विलेजेस को ऊपर ले दूसरे आइलैंड पे बना सकें। क्योंकि भाई ये छोटा आइलैंड है, यहाँ से तो भाई आगे निकलना ही है हमें, यहाँ पर ये तो रहना ही नहीं है। ऐसे करते आगे चलते हैं दूसरे आइलैंड पे और वहाँ से बनाते हैं अपने पहले विलेजर्स को। ये आ गए हम आइलैंड पर और यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई ये भी है ग्रास वगैरह भी। अब बना लेते हैं अपना फर्स्ट विलेजर। थोड़े प्लैंक चाहिएंगे हमें, इनको रखना है ऐसे और चार ये ऐसे, और बीच में रखनी है हमने एक डर्ट। ये आज का हमारा नॉलेज बुक, नॉलेजमेंट नॉलेज बुक। और ये हमारा आ चुका है पहला विलेजर्स, जो कि है मैड विलेजर। देखते हैं भाई क्या हमारे साथ ओपी ट्रेड करता है। भाई ये तो स्कैमर है भाई, ये नहीं है भाई ओरिजिनल विलेजर। ये ट्रैपडोर भी है, केसी के ट्रैपडोर के बदले तो तेरा अच्छा सामान भैया, लेकिन केसी भाई हम तो नहीं हमारे पास। लेकिन एक भाई ये देखो भाई, एमरल्ड के बदले हमें बेडरॉक दे रहा है, अच्छी बात है भाई ये तो। चलो ये क्या है भाई, ये तो टी ट्रेड है। ऐसे करते आगे चलते हैं, ये विलेजर तो भाई काम का नहीं निकला, और विलेजेस को बनाना पड़ेगा भाई ऐसे तो करके हमें। ये भाई केव वगैरह दिख रही है मुझे। ऐसे करते हैं, नहीं भाई इसे नहीं तो दिख गया भाई, यहाँ से कोल वगैरह ले लेते हैं थोड़ा। कोल वगैरह का भी काम है, और हमें थोड़ा आयरन चाहिए भाई। आयरन मिल गया ना तो हो जाएगा अपना काम पहले ही स्टार्ट। तीन आयरन चाहिए बस, उसके बाद हमारे पास अनलिमिटेड हो जाएगा आयरन, तो एक बार स्टार्टिंग में ही चाहिए हमें। देख लेते परली तरफ, तेरा भाई आयरन तो मिल गया। अबे इसीलिए तीन हो बस, ये भाई स्टोन के बनाने पड़ेंगे भाई, ऐसे तो मैं इसको बेकार कर दूंगा। फटाफट बना लेते हैं अब अपने स्टोन के टूल्स। स्टोन की बस हमें पिकैक्स बनानी पड़ेगी, हमारी हो चुकी स्टोन पिकैक्स। अब आयरन तोड़ लेते हैं फटाफट।
तो भाई शुक्र है तीन तो है ही है, हमें तीन ही चाहिए थे, तीन ही हैं। अब इसको उठा लेते हैं और चलते हैं बाहर। अब हमें कोई काम नहीं, अब हमारे विलेजर ही हमारी मदद करेंगे आगे के लिए। तो ये फ्लिंट भी ले लेते हैं क्योंकि भाई नेदर में भी जाना है, फ्लिंट एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी हमें। चलो भाई फ्लिंट काफ़ी आ चुका है, अब फटाफट बाहर चलते हैं। भाई जल्दी हो जाए बस, हो गया भाई। ये भी निकाल लेते हैं अपना, अब बना लेते हैं पिकैक्स आयरन की एक बार फटाफट। अब अपना अगला जो कि अपना भी होगा कहते हैं विलेजर्स, वो बनाते हैं फटाफट। ये हमने रखे चार प्लैंक, ऐसे नहीं भाई ऐसे रखने हैं, और चारों तरफ फिर लॉग्स, और बीच में आ जाएगी हमारी पिकैक्स। ये बन चुका हमारा सेकंड विलेजर, हमारा माइनर विलेजर। अब देखते हैं भाई ये क्या देता है हमें। भाई ये कोल के बदले यहाँ पे ये दे रहा है, हमारे पास पांच ही कोल है, और इसके बदले एमरल्ड का ब्लॉक दे रहा है। इधर देते हैं, अब इसको फटाफट एमरल्ड बदलते हैं और इससे कोल के ब्लॉक ले लेते हैं फटाफट। अभी सारे को कोल ब्लॉक को कोल में बदलेंगे, और अब इसके साथ ट्रेड करेंगे अनलिमिटेड। भाई आई थिंक इतना काफ़ी है हमारे लिए एमरल्ड। अब ऐसा करते हैं इसके साथ ये लेते हैं आयरन के ब्लॉक, 36 ब्लॉक हो गए काफ़ी हैं। अब इसको कोई काम नहीं, हमें इसको फेंक देते हैं, बाकी एक स्टैक तो रख ही लेते हैं क्या पता कहीं पर जरूरत पड़ जाए। अब ऐसा करते हैं कि भाई इसको कर देते हैं, अब इसकी बना लेते हैं ये, अब इसकी सोल्ड बना लेते हैं। अपना अगला लेजर बनाएंगे हम, अब जो कि होगा हमारा वेपन, वेपन जो कि हमें वेपन वगैरह देगा वो विलेजर। अब फटाफट रख लेते हैं चार ये प्लैंक्स, अब चार लॉग्स, क्यों अब भाई इसमें तो सिर्फ लॉग्स वगैरह का काम है, तो हमें जितना हो सके ना उतना लॉग्स बनाने हैं। ये हमारा आ गया टूल विलेजर, अब हमें टूल वगैरह देगा, देखते हैं भाई। देखो भाई ये भी कितने अच्छे अच्छे टूल दे रहा है वैसे। अब देखते हैं भाई इसे टूल लेते हैं एक बार फटाफट। मैं ये ना एमरल्ड भी बदल लेता हूँ। भाई कहाँ जा रहा है ये भाई, ये मारेंगे मुझे। भाई रात हो चुकी है ना, तो भाई ये भी दुख, मैं ध्यान नहीं किया रात कब में से हो गई। ऐसा करता हूँ इनको बांटे कोच करता हूँ भाई, ऐसे तो मैं ही मर जाऊंगा, थोड़ा हाँ डैमेज पड़ते ही मैं मर जाऊंगा। भाई मुझे बच के रहना पड़ेगा स्केल्टन वगैरह से, स्केल्टन स्पॉन भी होना स्टार्ट हो गए, और मेरे पास देखो भाई मर गया मैं। वहां पर मर रहा हूँ, देखो ये फिलर बहुत शुक्र है कि भाई मैं पास में हूँ। ऐसा क्या हो गया यार, कोई नहीं भाई चलते हैं फटाफट और अपना सामान कलेक्ट करते हैं। कोई बात नहीं भाई होता रहता है ऐसे, ये ट्राइडेंट वाले भी भाई यहाँ पर ही आने थे। ले उठा देते हैं फटाफट अपना, इतना भी स्टफ है हमारे पास,
भैया मार ही देंगे मुझे फिर से फटाफट। भाई तो ऊपर भी है मेरा स्टफ, तो ये रहा भाई इसके ऊपर रखा हुआ है। मैंने स्वॉर्ड बनाई थी यार भाई, वो कहाँ गई? भाई मैं मर जाऊंगा फिर से यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मुझे शायद एक पहले वो बना ही लेना चाहिए था बेड। मार विलेजर से ऐसा करता हूँ भाई, मैंने एमरल है मेरे पास, है गया। अगर टूल्स विलेजर होगा ना तो मैं इससे ले लेता हूँ। तो भाई ये फिर से मर गया मैं यार। फटाफट चलते हैं भाई, दूसरी बार मर गया। कोई नहीं भाई, चलते हैं चलते हैं फटाफट, आप फिर से कलेक्ट करते हैं। उस तरफ जाना पड़ेगा हमें, वहां पर है हमारे आर्मर वगैरह। भाई ये मारने लग गए भाई आते ही। बताओ भाई, हमें पहले बेड का जुगाड़ करके चलना था। कहाँ पर था मैं? यहाँ यहीं पर मरा था कहीं आसपास। ये रहा भाई, भाई अब की बार तो भाई मार दिया मैंने इनको। भाई हर बार का वहम थोड़ी ना है भाई, मेरे जो मारते ही रहेंगे। खाने के लिए रोटन फ्लैश ही है भाई अभी तो। कोई भाई कुछ देर के लिए बात है, तब तक ये सुबह नहीं होती, उसके बाद तो हम इनको मार ही देंगे फटाफट करके। भाई फटाफट बना लेते हैं भाई, ये तो कम ही रह गए हमारे पास लोग, से हमें लोग काटने पड़ेंगे। ये रहा भाई हमारा टूल्स विलेजर ही है शायद वो। नहीं भाई हमारे टूल्स विलेजर नहीं है, दूसरा विलेजर हो। तो ऐसा करते हैं भाई, फटाफट पेड़ काट लेते हैं, उसके बाद स्टूल करते हैं इकट्ठा। भाई मत एक्स, मैं एक एक्स बनानी पड़ेगी भाई अब तो। ये आयरन की एक्स आ गई हमारी, सुबह भी होने वाली है, काट लेते हैं फटाफट। और भाई ज़ॉम्बी वगैरह ज्यादा स्पॉन हो रहे हैं पता नहीं क्यों। अब चलते हैं भाई, सुबह भी हो गई है, अब बनाते हैं फटाफट। अब ढूंढते भाई सारे विलेजर्स को अपने। भाई ये आ गई, हमारे विलेजर्स कहाँ हैं? दिख भी नहीं रहे भाई, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा करते हैं बना ही लेते हैं भाई विलेजर्स। अब यहाँ पर ऐसे और बीच में सोर्ड, ये हमारा आ गया दोबारा विलेजर। अब इससे ले लेते हैं फटाफट टूल्स, ओपी टूल्स। भाई देख सकते हैं एफिशिएंसी 10 है इस पे, हर एक चीज़ पे एफिशिएंसी 10 की भाई थोड़ी नहीं होती, काफ़ी अच्छी होती है। अब इसको रख देते हैं, जो ये टूल्स हमारे भी अब कुछ काम के नहीं है, अब इनको फेंक देते हैं। ठीक भाई, ये इससे तो ले लिया हमने टूल्स वगैरह। अब हम अपना नेक्स्ट विलेज बनाते हैं फटाफट, जो कि है एक स्मेल्टिंग करने के वाला, मतलब स्मेल्टर के साथ बनेगा एक विलेजर और हमारा। अब ये और बना लेते हैं भाई, ये तो फूड विलेजर निकला। ओ भाई गोल्डन एन्चांटेड एप्पल दे रहा है भाई, हम तो यही लेंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ और भी, हमें
हमें तो बस यही भाई एमरल की कमी पड़ गई क्या भाई। लो एक स्टैक के ही बना दिया हमने, अब लेते हैं एक दो स्टैक लेके चलते हैं। वैसे एक मैं जानता हूँ इनफ है, लेकिन भाई अब अमीरी इतनी आ गई है भाई, एमरल इतने है तो क्या करे, करना ही पड़ेगा। अब फटाफट ले भाई, ले लिए दो स्टैक से भी फालतू ही है भाई। भाई साहब ये सिंपल अप्लाई क्या कर रहा है भाई, इसकी तो जरूरत भी नहीं हमें, इसका क्या करना है बताओ भाई। इनका सिंपल का भी कोई यूज करता है? इतने सिंपल का नहीं करता भाई हमें यूज। ठीक भाई, अगला हमारा आर्मर विलेजर बनाएंगे हम। ऐसा करते हैं कि भाई थोड़ा आर्मर आर्मर के लिए निकालते हैं, एक चेस्ट प्लेट बनाते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास आर्मर तो है ही नहीं है और हर कोई मर के जाता रहेगा, क्योंकि आर्मर के साथ हमारी सेफ्टी रह जाएगी। तो बनाते हैं फटाफट एक आर्मर विलेजर। ये हमारा आर्मर विलेजर आ चुका है, देखते हैं भाई। आ जा भाई, ओ भाई नेदराइट का प्रोटेक्शन 10 के साथ भाई, इतना अच्छे भाई ट्रेड। लो भाई एक, ले भाई दे दे भाई मुझे एक, ये भी दे दे, एक चेस्ट प्लेट भी दे दे, और एक ये हमें हेलमेट। भाई लैगिंग्स नहीं बेच रहा क्या ये भाई? थ्रोन से अचैटमेंट 69 की बेच रहा है भाई, ये देख सकते हो भाई कितने हैवी हो कर रहे हैं। कोई नहीं भाई, इतना आर्मर भी काफ़ी है और हमारा नेदराइट को कंप्लीट हो सकता है, हो चुका है मतलब ऑलमोस्ट। भाई हमारा फूड विलेजर भी जा चुका है, और भाई हमारा वो विलेजर कहाँ गया? हम अपने टूल्स भी उसमें कन्वर्ट कर ही लेते हैं नेदराइट में। हमारे टूल्स विलेजर वगैरह कहाँ गए भाई सारे? हो रहा भाई एक शायद वही हो, इंटरटेड गोल्डन एप्पल खाते हैं भाई। भाई अब चलते हैं और देखते हैं भाई हमारी सोर्ड कितनी पावरफुल है, अब इन पे ट्राई करते हैं मॉब्स वगैरह पे। पहले इस हॉर्स पे देखते हैं, 1 2 भाई टू हिट में मार दिया इसको तो, बल्कि जबकि ये मरते नहीं है टू हिट में। अब काव वगैरह को मारते हैं, मैं ऐसे नहीं मार रहा भाई, इनसे लेदर चाहिए हमें, इसलिए मार रहा हूँ मैं इनको। लेदर का काम है, हमें एक बुक वगैरह बनानी है तो अपना अगले विलेजर को अनलॉक करने के लिए। भाई अब शुगर केन और मिल जाए आसपास, देखते हैं भाई शुगर केन मिलता है या नहीं। वहां पर क्या है भाई? वहां पर आग लगी हुई है भाई, वहां पर जाना नहीं, अब हम सिर्फ उसके लिए जाते हैं भाई। हमारे पास इतने ही है ओपी टूल्स देख सकते हो आप, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक ऐसा यहीं पर बनाएंगे हम, क्राफ्टी टेबल नहीं बना लेंगे हम, क्या दिक्कत है। अब ऐसे देख चलते ऊपर, देखते हैं भाई वहाँ पर आग क्यों लगी हुई है। लावा ही था भाई, क्राफ्टिंग टेबल बना लेते एक फटाफट ही फिर से, और इसको लावा को लेके चलते हैं अपने साथ। प्रोटेक्शन 10 है सीधे चलते हैं हम भाई, प्रोटेक्शन 10 नीचे कितनी ऊंचाई घुस जाओ दिक्कत ही नहीं हो रही है हमें, यही तो फायदा है प्रोटेक्शन 10 का। इससे हमारे दो नए विलेजर बनेंगे अब। हमारा ऑप्शन भाई इन्वेंटरी में जगह नहीं है, यहीं पर बना लेंगे अपने दो नेक्स्ट टू विलेजर्स। वाटर भर लेते इसमें काम आएगा, इसका कोई काम नहीं हमें, रख लेते हैं। अब यहाँ पर पहले तो अपना फर्स्ट विलेजर के लिए पेपर, और अब अपनी बुक बना लेते हैं, और तीन बुक बन जाएंगे भाई, इसकी तो जरूरत भी नहीं है। चल लेदर का भी अब कोई काम नहीं है हमें, अब फटाफट बना लेते हैं अपना विलेजर। पहले रखना है 4 प्लैंक्स, और उसके बाद 4 लॉग्स, उसके अंदर एक बुक। ये हमारा आ चुका है नेक्स्ट विलेजर,
एन्चेंटमेंट वाला विलेजर भाई, दे तो ये काफी अच्छा सामान रहा है, पर भाई ये लगेगी तो नहीं भाई। भाई इसका नहीं, रहने दे भाई, तेरा कोई काम नहीं है। आप अपना नेक्स्ट विलेजर बना के देखते हैं, इसका तो भाई कोई यूज नहीं है इस विलेजर का। लेकिन भाई एन्चेंटमेंट तो काफी अच्छी दे रहा था। ये हमारा आज का नेक्स्ट विलेजर, ये देखते हैं भाई, एंड विलेजर। ओ भाई ये तो एंड क्रिस्टल बेच रहा है भाई, हमें नो चाहिए ये। पांच ही हुई भाई हमारे पास तो अभी तो, ये भी हमें चाहिए, सिर्फ टच की तो हमें जरूरत ही नहीं है भाई। भाई हमें अब फटाफट वो चाहिए भाई कोल, हमें वो विलेजर बनाना पड़ेगा ताकि हम उसके साथ कोल ट्रेड करें। प्लैंक बना लेते हैं अभी। Many minutes later. भाई वैसे एक बात सोचने की तो, भाई ये ओपी ट्रेड तो जरूर कर रहे हैं, देखो भाई सीधा एंड फ्रेम भी दे रहा था वो भाई। ऐसे कोई एक और विलेजर होता जो हमें सीधा एंड आई होते, तो हमें नजर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कहाँ गया भाई एंड वाला विलेजर, कहाँ गया हमारा, उसका नहीं पता चला भाई कहाँ गया वो। अपनी ये उठा लेते हैं, देखते हैं भाई ये कहाँ गए विलेजर्स। ये और है भाई, एक तो ये रहा, वो भी आसपास ही होगा, देख लेते हैं एक बार F5 के साथ दबा कर। भाई मैं इसके साथ वो नेदराइट की भी तो ट्रेड कर सकता हूँ वैसे। कहाँ गया भाई ये विलेजर भी गायब हो गया भाई, लगता है हमें दोबारा से फिर विलेजर बनाना पड़ेगा। ये कौन सा है, ये वाला देखते हैं भाई कौन सा विलेज, यही है अभी इससे भी ले लिया हमने। अब फटाफट हमारे क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गई, ये रही, इसको रखते हैं। अब देख लेता हूँ एक बार मैं स्मिथिंग टेबल बनाने की रेसिपी। ये रहा प्लैंक और दो आयरन ही तो चाहिए भाई, बस चार प्लैंक चाहिए क्या। ये चार प्लैंक आ चुके हैं, दो आयरन के आ चुके हैं, हमारी स्मिथिंग टेबल रेडी है। अब फटाफट हमारे टूल्स को नेदराइट का कर लेते हैं भाई, इनका तो कोई असर ही नहीं होता है हमारे पास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये तो हमारी नॉर्मल सोर्ड है, लेकिन भाई हमारी जो एक्स है ना वो खतरनाक है, एक्स और भी हमारी पिकएक्स, ये दोनों खतरनाक चीजें हैं। अब ऐसा करते हैं भाई विलेजर्स बना लेते हैं अपना एंड वाला, भाई वो तो पता नहीं अब कहाँ ही गया, उसका तो पता ही नहीं चला। एंड वाला विलेजर बना लेते हैं क्योंकि ऑब्सीडियन तो आप जानते हो मैंने उससे पहले ही ले लिया था, मैं जानता था कि भाई ऐसा हो सकता है और मेरे साथ तो खासकर होता है ये। अब ले लेता हूँ मैं इसे एक और आ जाओ, हो चुके हमारे नौ। अब इससे मैं थोड़े और ट्रेड कर लेता हूँ ये ऑब्सीडियन, बाकी तो भाई इसके यहाँ से कुछ लेने का तो है ही नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं भाई पोर्टल बना लेते हैं फटाफट, यहाँ पर दीवार के सारे। ये हमारा पोर्टल बन चुका है, ये हमारा पेंट एंड स्टेन निकाला हमने, अब इसको लाइट अप किया। और भाई हमारे पास अब ऐसा करते हैं चलते हैं तो नेदर में, फटाफट नेदर में आ चुके हैं। अब ऐसा करते हैं निकलते हैं और एक यहाँ से ये लेते हैं क्योंकि हमारा एक विलेजर और बनेगा अब, जो कि हमारा फाइनल विलेजर होगा यहाँ का, नेदर में ही बनाएंगे उसको। चलो भाई अब क्या ओवरऑल में जाना, देखते हैं भाई वो क्या ट्रेड करेगा हमारे साथ।
चार प्लैंक रख लेंगे पहले, नहीं पहले लोग रख लेंगे, चार प्लैंक रख लिया और बीच में रख देंगे हमारे ये, नहीं तो रैक, हमारा लास्ट विलेजर भी आ चुका है। एक वर्ड्स देखते हैं भाई, क्या भाई स्पॉनर बेच रहा है, ब्लेज स्पॉनर भी बेच रहा है, एंडरमैन भी अभी ऑब्सीडियन बेच रहा है, नेदरराइट के भी बेच रहा है, भाई इसका क्या करें हम बताओ भाई। ब्लेज स्पॉनर ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, लेकिन भाई ये काफ़ी महंगा बेच रहा है, इसको क्या करें भाई, ज़्यादा महंगा, इससे अच्छा तो भाई हम ऐसा करते हैं कि भाई चलते हैं और देखते हैं भाई। और हमने आज अपने सारे विलेजेस को भी अनलॉक कर लिया है, अब ऐसा करते हैं सीधे ही चलते हैं। ओ भाई नीचे कूदते, हमें फोर्ट्रेस में दिख चुकी है भाई, मैं तो ऐसे ही जंप मार रहा हूँ। भाई इसका तो कोई असर नहीं है लावा का, ऐसे ही चलेंगे लावा में ही। ये रहा भाई ब्लेस कॉर्नर है शायद यहाँ पर, ये रहा भाई ब्लेस कॉर्नर आ गया, एक एप्पल खा कर अब फटाफट लगते हैं काम पर। ये हमारी पहली ब्लेज रोड हो चुकी है, ये हमारी 6 ब्लेज रोड हो चुकी है भाई, ये पहले ही मैं सीधा कह रहा था एक हो चुकी, अब सीधा कह रहा अच्छा भाई देख सकते हो भाई इतनी इतनी ब्लेज रोड मिलती है। आजा भाई जल्दी जल्दी आओ, हमें और भी काम है भाई। आजा भाई स्पॉन, क्या हुआ अब डर लगने लगा क्या तुझे? बस हवा निकल गई, और भाई हमें एंटरपल भी चाहिए अभी, तो भाई एंटरपल लेने के लिए जाना पड़ेगा, या तो हमारे पास एंटरपल के लिए दो ही चार है, या तो हम गोल्ड के साथ वो करें। इसमें फॉर्चून कितना है भाई? फॉर्चून 10। ऐसा करेंगे गोल्ड का वो बना, जहाँ पर भी गोल्ड दिखेगा ना गोल्ड से ले लेते हैं, गोल्ड को अपने आप ही कन्वर्ट कर देंगे हम। ये भाई एक और परली तरफ चलते हैं और इसको मारते हैं भाई, ऐसा करके क्या हो जाएगा नहीं बता तो सही। आजा भाई तू भी आजा, बस वो क्या बनेगा तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये भाई इसको मारना पड़ेगा भाई, ये शार्पनेस 5 ही है लेकिन भाई तो ये ऑटोमेटिक मर जाएगा। और हमें चाहिए एक पिगलिन, ये वैसे ही मर जाएगा भाई, हमें तो कुछ होगा नहीं इतना। मैं एक एप्पल और खा लेता हूँ, अपने आप मर गया ना, कहा था मैंने पहले ही। मत पंगे ले लेकिन फिर मर गया। ऐसे करते हैं गोल्ड बना लेते हैं, ये हमारी सोर्ड इतनी खतरनाक है।
गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ जितना यहाँ पर आसपास मिलेगा उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। वहाँ पर गया गोल्ड, ये रहा, इसके साथ गोल्ड बना लेते हैं 49 आई थिंक इनफ रहेगा। फिर हमारा पिगलिन ले भाई, अब इसको अंदर करते हैं, अब इसके साथ ट्रेड करते हैं थोड़ी देर, जब तक ये हमें काम का सामान देता। ले भाई ले भाई, नहीं लेने दे भाई, सीधे मना कर दे भाई, ट्रेड नहीं करनी। और देखना पड़ेगा भाई किसी को, ऐसा करते हैं चलते हैं बाहर, देखते हैं कोई अच्छा हवा मिल जाए जिसके साथ ट्रेड कर पाए हम। ये कलेक्ट करते रहते हैं साथ के साथ डायमंड, डायमंड कह रहा हूँ गोल्ड, डायमंड तो भाई हमारे लिए आम बात है। एक स्टैक से ऊपर हो चुके हैं हमारे पास, अब चलते हैं फटाफट, कोई देखते हैं भाई अच्छा हाँ कोई हमारे साथ ट्रेड करने वाला हो जाए। ये हमारे पिगलिंस आ गए हैं, फटाफट गोल्ड दे देते हैं इनको और इनको कैरी कर लेते हैं। भाई हमने साइड ट्रेड कर ली पर भाई इसने एंडर पल नहीं दी है, तो कोई नहीं भाई ऐसा करते हैं भाई जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्टफ है ना सारे डाल देते हैं इसके पास ही, इसका भी कोई काम नहीं हमें। और क्या है भाई इसका भी, ये भी नहीं काम है, ऐसा करते हैं अब चलते हैं फटाफट।
हमारे पास 800 से भाई चार ही एक उससे चार मिली क्योंकि भाई हमारे पास लूटिंग फ्री है। अब एक और देखनी पड़ेगी हमें एंटर पर ऐसे करते हैं फटाफट चलते ऊपर भाई ये रहा पूरा में आ जा भाई हमारे पास 10 हो चुकी है लेकिन भाई एक दो ऐसे करना क्या भाई हमारे पास एंड पोर्टल फ्रेम तो है ही है ऐसा करते हैं यहीं पर बना लेते हैं अपने लिए पोर्टल ठीक है भाई अब देखते हैं भाई अगर से ऊपर जाने का रास्ता हो नहीं भाई क्या करेंगे ऊपर जाकर ऐसा करते हैं ये भाई स्ट्रिंग तो आ गई है यहाँ से वूल बना लेते हैं इसका 6 वूल हो चुकी है बाकी स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गई हमारी ये थी और अब क्या बनाएंगे हम बेड बना लेते हैं प्लैंक निकाल कर ये हमारा बेड हो चुका है ताकि भाई रिस्पॉन पॉइंट ये हमारा रहे ये हमारा हो जाएगा रिस्पॉन पॉइंट सेट और यहाँ पर अपना एंड पोर्टल बना लेते हैं फटाफट 1 2 3 ओ भाई इसको भी कैसे माइन कर दिया जैसे भाई ये पता नहीं भाई क्या बच्चों की तरह माइन कर दिया ये तो ऐसे तो भाई वो शोवल से वो टूटता है भाई 3 कम पड़ गए भाई ये कैसे हो सकता है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई लगता है भाई विलेजर्स को दोबारा लेके आना पड़ेगा भाई ऐसे कैसे हो गया ये भाई उसके लिए तो भाई ऊपर जाना पड़ेगा फिर से ओ भाई ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने भाई 12 ले रहे भाई ये तो मैंने 9 ही लिए तो वैसे मॉर्निंग हो चुकी होगी वहाँ पर भी तो एक बार चलते हैं यहाँ से एक बार बाहर थोड़े प्लैंक लेके आते हैं ओ भाई कॉपर मशरूम आइलैंड भाई ये तो भाई काफ़ी लकी सीड निकला यहाँ पर भाई वो भी दो दो भाई दो दो, दो मशरूम आइलैंड भाई ये तो सीढ़ी है भाई वो है मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा सीड लगा ये ऐसे भाई बस एक बार मैं चंक डिस्टेंस बता देता हूँ क्योंकि भाई मुझे आप जानते हो इस टाइम तो भाई उसकी इनकी बायोम की जरूरत नहीं है बल्कि हमें जरूरत टाइम क्या है ओक प्लैंक्स की तो एक बार चंक डिस्टेंस बता देते हैं और भाई ये तो मैंने ध्यान ही दिया भाई ये साइड में देखो भाई ओशन मोन्यूमेंट भी है भाई इतने पास में ही भाई इतना सारा सामान या फिर कहे तो इतनी सारी चीज़ें भाई सीड को तो भाई आप कहोगे ना तो मैं ये सीड आपको दे दूँगा आप कमेंट करके बताना कि भाई आपको ये सीड कैसा लगा देखो भाई ये हो रहा ओशियन मोन्यूमेंट भाई कितना ओपी सीड है अब ऐसे भाई कहीं जाए अब इससे कोई बतबल नहीं ये आ चुका है अब फटाफट इसका भी कोई काम नहीं अब जितना भी सामान जब चाहिए ना वहाँ पर वो लेके चलेंगे अब हम अपनी इसका भी कोई काम नहीं है ये अपनी ब्लेज रोड वगैरह चाहिए और अब हम इसका बना लेंगे ब्लेज पाउडर अब आई ऑफेंडर्स आठ ही बनी भाई बाकी कहाँ गई तेरी भाई मैं कह रहा हूँ अभी मेरे पास बहुत थी 18 आ चुकी है लेकिन भैया हमें तो सिर्फ 9 ही चाहिए थी नहीं 12 चाहिए वैसे
कंप्यूटर चालू हो चुका है, बाकी इनको यहीं पर रख देते हैं अभी के लिए क्योंकि तो अभी इनका कोई काम नहीं। हमें भाई कहाँ रख रहा हूँ, ध्यान ही दिया भाई मैं कहाँ रख रहा हूँ। फूड भी हमारे पास इनफ है भाई, ये एंड्राई कह रहा हूँ, ये रख नहीं रह गई थी। अब चलते सीधा एंड में। भाई ये विलेजर क्या कर रहा है भाई, एंड विलेजर एंड में आ गया भाई, बताओ। This is business. किसी ने बुलाया था इसको? नहीं भाई मैं ब्लॉक तो लेके ही नहीं आया, तो ऐसा करता हूँ यहाँ से थोड़े ब्लॉक भी माइन कर लेता हूँ क्योंकि ब्लॉक्स तो चाहिए आप जानते ही होंगे। ये यहाँ पर ले लेते हैं हमारे पास फैक्ट्री। भाई मैं कैमरल का स्टैक भी लेके आ गया, अब ऊपर चलते हैं फटाफट। भाई वाटर बकेट है, मैं सोचा भाई वाटर बकेट नहीं लेके आया मैं तो, ये गड़बड़ हो जाएगी आज। वैसा करते हैं फटाफट इनको तोड़ते हैं। ये टूट चुका पेंडलाइट क्रिस्टल। भाई नीचे आ चुकी है ये, फटाफट आने देखते हैं इसको। भाई इसकी मुंडी का है ये गर्दन। भाई जब तक ये एंड क्रिस्टल है ना तब तक ये मरेगी। अब फटाफट इनको मारता हूँ। भाई 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 एंड क्रिस्टल पास ही पहुँचा दिया मैं, वैसे बुझाना भी वही था इनको तोड़ने के लिए। अब मैं एंटेड गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ फटाफट। अब फटाफट यहीं से तोड़ता हूँ मैं सारे एंड क्रिस्टल। ये टूट चुका है। ये भी टूट चुका है। सही लग जाना भाई ऑलमोस्ट। भाई ये भी टूट चुका है, सिर्फ ये दो रह गए एंड क्रिस्टल्स। वैसा करते हैं चलते हैं नीचे हमारे MLG और हम। वैसे ऐसा करता हूँ मैं एक बार उनको तोड़ देता हूँ फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। टूट चुका है, अब हमारा काम भी निपट चुका है, बस हमें क्या करना है एंडर ड्रैगन को मारना है। भाई ये तो हमें वैसे ही मूड आ रही है, मार तो पा नहीं रहा हूं मैं। भाई इसकी ड्रैगन ब्रेथ से ही मर जाऊंगा वैसे मैं। भाई 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 वैसे मैं मरने वाला तो नहीं हूँ क्योंकि भाई एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा रखा मैंने, स्ट्रेंथ दे रखी है इसने मुझे। इसको मैंने हिट किया, शायद नीचे आएगी अब करने लग गई है और चकरने लग गई है, नीचे आएगी अब ये। हम ऐसा करते हैं यहीं पर चलते हैं। भाई नहीं आ रही क्या? भाई आधी हेल्थ के करीब आ चुकी है ये एंडर ड्रैगन ही, और ये भी नीचे आ चुकी है ऑलमोस्ट। आगने लग रही है, नीचे आ गई, नीचे आएगी, देख लेता हूँ इस तरफ ही है।
मार देता हूँ इसको मैं। आधी हेल्थ आ चुकी है ऑलमोस्ट। भाई उड़ चुकी है भाई, मुझे हमें उड़ाकर भाई आ चुकी है तले नीचे। अब देखते हैं साथ में भाई कितनी हेल्थ जा रही है एक बार में ही। अब क्या मुझे लगता है भाई बच गया, बच गया, बच गया, बच गई भाई थोड़ी सी हेल्थ रह चुकी है। अब इसको मारने की कोशिश करते हैं फटाफट। यह फिर नीचे आ चुकी है, अब फिर इसको मारते हैं शार्पनेस के साथ। और इसके साथ हमने मार दिया एंडर ड्रैगनी को और फ्री कर दिया इस एंड को। तो एक बार फिर से हमने इसको एंडर ड्रैगनी को मार दिया है आसानी से। और देखो अब लेते हैं इसकी सारी फिर से एक्सपी। वाह कितनी मधुर आवाज़ लगती है एक्सपी कलेक्ट करते हुए, कितना मज़ा आता है यार। वाह 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 वाह। तो ऐसा करते हैं एक टॉर्च उठा लेते हैं यहाँ से। भाई टॉर्च तो गई वहाँ पर, या ये वाली उठा के देखते हैं आ गई है। अब एग को ले लेते हैं, कहाँ गया भाई एग, ये रहा भाई। ऐसे नहीं चलेगा काम, अब यहाँ पर रखते हैं इसको। ये हमने ले लिया है एग को भी, अब चलते हैं वापस ऊपर। अब हमने फाइनली आसानी से आज के एपिसोड में फिर से मार दिया है एंड ड्रैगनी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो ही पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे, और आप ऐसे ही कंटेंट बनाने की ताकि मुझे वो लगी रहे, ताकि मैं बनाता रहूँ आपके लिए। जब भी आप लाइक करते हो ना तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए पीस।